छतरपुर के राजनगर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक सलमान खान की हत्या के बाद राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता ने राजनगर जाकर मृतक के परिजनों से मुलाकात की और उनके परिवार को ढांढस बंधाया। साथ ही पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कांग्रेस नेताओं के साथ खजुराहो थाने के बाहर धरने पर बैठे। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया, लेकिन आरोपी बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी अभी तक नहीं की और न ही उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। उनका आरोप है कि पुलिस ने FIR में भी गलती की है। वहीं दूसरी तरफ मृतक के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि गिरफ्तारी नहीं होगी तो मृतक का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बात यह है कि रात को, परसों रात को पैसे बांटने निकली थी पूरी पार्टी बीजेपी, जो अवैध धंधे कर कर के लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, वो समझते हैं कि हम मतदाता भाइयों और बहनों को पैसा देके उसको खरीद लेंगे। और एहतियात के रूप में कांग्रेस के उम्मीदवार नाती राजा ने, स्वाभाविक है कि जब पता लगा कि ऐसा बांट रहे हैं, जाके उनको देखा, कोई बात नहीं थी, सड़क पर जानवर बैठे हुए थे तो साइड में लगा ली, निकलो। लेकिन निकल के आए, जिसके नामजद रिपोर्ट की गई है, विकी बघेल अवस्थी, स्वयं उम्मीदवार प्रत्याशी अरविंद पटेरिया, सब लोगों ने माँ बहन की गाली देना चालू किया। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि आप गाड़ी निकालिए यहाँ से, तो वो ना निकाल के उन्होंने उन पर चढ़ा दी। बड़ी उनको सलमान ने इनको धक्का देके गाड़ी में रखा और खुद बेचारा